सो हेलो गाइस, मैं राहुल जैसा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे अपने हिंदी चैनल में। दोस्तों आज का जो वीडियो है स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं आप लोग को यहाँ पे अपडेट दूंगा। जैसे कि आप लोग को पता है मेरा दो वीडियो अपलोड हुआ है, दोनों वीडियो पे जो है व्यू अच्छे खासे वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखने को मिलेगी। एक वीडियो पे 3000 क्रॉस होने वाला है और जो दूसरा वीडियो है उस पे 1300 व्यू आ चुके हैं। तो वो 1300 जो व्यू था उसको मैंने कल ही डाला और जो उसके बाद का वीडियो है वो मैंने एक दिन पहले डाला था, तो उस पे जो व्यू है 3000 क्रॉस होने वाला है। तो ये मैंने कैसा करा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आप लोग को पूरा इस वीडियो के बारे में नॉलेज दूंगा। ऐसा मैंने इस वीडियो में क्या किया, टैग से रैंक हुआ या फिर मेरा थंबनेल से रैंक हुआ या फिर डिस्क्रिप्शन से या फिर हैशटैग से, तो पूरा यहाँ पे मैं आप लोग को नॉलेज दूंगा कि मेरा किस वजह से वीडियो रैंक हुआ। और दोस्तों आप लोग आए मेरे चैनल पर नए, चेक कर लेना भाई सब्सक्राइब, साथ में कर लेना बेल आइकन को, सुन लेना मैं आपकी ऐसे नई वीडियो हेल्पफुल वीडियो यूट्यूब टैग या फिर अनबॉक्सिंग से रिलेटेड ला रहता हूँ। चले फिर आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता होगा कि मैंने अपने चैनल पर जो है दो वीडियो डाला था जो कि मिस्टर फेसबुक के टॉपिक के रिलेटेड, वो वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगी। नहीं पता है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, वो दोनों वीडियो पर जो व्यू है अच्छी मिली है। जो पहली वीडियो मैंने डाला दोस्तों वहां पे जो व्यू है वो 3000 क्रॉस करने वाली है और जो दूसरी वीडियो है उस पर 1300 व्यू क्रॉस कर ली है। तो दोनों वीडियो के बारे में आप लोग को यहाँ पे पूरा नॉलेज दूंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस वजह से मेरा वीडियो रैंक हुआ है, रैंक यानी कि इस पे इतनी व्यू कैसे आई है। और आप लोग अगर मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं जो व्यू है 24, 40, 60 कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए, पहली बात ये कि जो मेरा वीडियो रैंक किस वजह से हुआ, तो टॉपिक जो मैंने चूज करा था, ट्रेंड में अभी चल रहा है मिस्टर फेसबुक का टॉपिक, तो पहला रीजन तो ये है। और दूसरा रीजन ये है कि मेरा थंबनेल, आप लोग जाके थंबनेल को देख सकते हैं, मेरा थंबनेल में मैंने कुछ इस तरीके से वहां पे लिखा हुआ और जो थंबनेल को मैंने एडिट करा उसमें थोड़ा अच्छा समय गया, तो उसमें मैंने ऐसा लिखा था आतंकवादी बोलना पड़ा महंगा है। यानी कि जिसके पास वो थंबनेल गया, वीडियो गया, तो हर व्यक्ति सोच रहा था कि मिस्टर फेसबुक ने आतंकवादी कब बोला। अब वो थंबनेल में तो मैंने ये लिखा हो कि आतंकवादी बोलना पड़ा महंगा, लेकिन उसके ही रिलेटेड वीडियो के अंदर भी मैंने बताया, जैसा कि मिस्टर फेसबुक का टिकटॉक वीडियो है उसके अंदर मिस्टर फेसबुक ने आतंकवादी बोला था, तो इसी के रिलेटेड मैंने एक टॉपिक बना लिया आतंकवादी बोलना पड़ा महंगा, जिसके चलते जो है मेरा वीडियो रैंक हुआ बस थंबनेल की वजह से, ना ही टैग की वजह से, ना ही वहां पे अगर बात करते हैं हैशटैग डिस्क्रिप्शन इसके वजह से रैंक नहीं हुआ। ओनली मैं बोलूंगा, यहाँ पे बोलना चाहूंगा आप लोगों से, मेरा थंबनेल के ही रिलेटेड वहां पे वीडियो रैंक हुआ। अब दोस्तों जो दूसरा वीडियो है वो भी मैंने वहां पे डाला, तो दूसरा वीडियो भी थंबनेल के रिलेटेड ही रैंक हुआ। वहां पे मैंने टैग, क्योंकि ज्यादा वहां पे टैग मैंने डाला नहीं, 4 से 5 ओनली टैग डाला मैंने, और थंबनेल आप लोग देख सकते हैं, तो वहां पे मैंने थंबनेल में कुछ थोड़ा सस्पेंस में मैंने वहां पे जो है थंबनेल क्रिएट करा। जैसे कि आप लोग अगर वो दूसरा वीडियो को जाके देखेंगे तो उसपे थंबनेल लिखा था मैंने जी म्यूजिक कंपनी का एक लोगो बनाया और वहां पे लिख दिया मैंने जी म्यूजिक कंपनी ने भी लिया एक्शन। तो आप लोग सोच सकते हैं कि एक्शन ऐसा जी म्यूजिक कंपनी ने कौन सा ले लिया, मिस्टर फेसबुक का, साइड में मिस्टर फेसबुक की फोटो भी थी, तो ऐसा मैंने थोड़ा सस्पेंस में थंबनेल बनाया और वो थंबनेल में जो दिखाया वही वीडियो के अंदर भी आप लोग को देखने को मिला। जैसा कि आप लोग को पता होगा जी म्यूजिक कंपनी ने मिस्टर फेसबुक का जो सॉन्ग है उसको डिलीट कर दिया है, तो यही मैंने बताया था उस वीडियो में। तो यहाँ पे ये होता है दोस्तों की कोई ट्रेंडिंग टॉपिक निकल के आता है तो उसके रिलेटेड आपको वीडियो बनाना चाहिए और थंबनेल भी आप लोग को अच्छे से एडिट करना चाहिए, सस्पेंस में क्रिएट करना चाहिए। और यहाँ पे एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो थंबनेल में आपने दिखाया है वही आपको वीडियो में भी दिखाना है। तो यही रीजन था जो कि मेरे वीडियो पे